हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो इस गोकुलधाम सोसाइटी में इस समय होली की धूमधाम मची हुई है और यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी के सही मेंबर्स ने जमकर होली खेली। और गाइस, इसी के साथ साथ यहाँ पर जब शो के कलाकारों से बातचीत की गई, स्पेशली जब टप्पू सेना से, सो इस यहाँ पर टप्पू सेना ने अपने अपने सभी एक्सपीरियंस शेयर किए, यानी कि टप्पू सेना ने अब तक की जो पिछले 10 साल की जर्नी की है उसमें और लोगों ने क्या क्या फील किया है। और अभी तक तो आप सिर्फ टप्पू सेना के फैन है, लेकिन गाइस ये बात सुनकर आप भी शायद टप्पू सेना के विचारों के भी फैंस जरूर हो जाए। गाइस, यहाँ पर टप्पू सेना ने बताया कि उन्होंने अपने तारक मेहता शो की 10 साल की जर्नी को काफी एंजॉय किया। यहाँ पर टप्पू सेना के हर एक मेंबर ने खुद को बड़े होते हुए देखा है। गाइस, स्पेशली अगर हमें बात करें भव्य गांधी की, तो इस भव्य गांधी ने तो कुछ टाइम पहले इस शो को क्विट कर दिया था, जिसके बाद के शो में जगह ली थी राजनाथ कत ने। लेकिन गाइस, हमें बात कर रहे हैं सिर्फ टप्पू सेना, जिसमें टप्पू सेना ने बताया कि हमने खुद को बड़े होते हुए देखा है। यानी कि जहां पर बाकी लोग पूछते हैं कि आपके पास बचपन की कोई पिक्चर है, तो हम बोल देते हैं कि आप हमारे शो को देख लीजिए, उसमें कोई सालों महीनों या फिर दिन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम हर दिन कैसे बड़े हुए हैं उसमें एक एक सीन को दिखाया गया है। सो यहाँ पर टप्पू सेना का ये सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि उन्होंने खुद को बचपन से लेके अब तक तो उसमें नहीं बल्कि वीडियो के तौर पे देखा हुआ है। गाइस, इसके साथ ही टप्पू सेना ने यही बताया, हम आज भी टप्पू सेना के कई मेंबर एक्टिंग में कई सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसके बाद की मेकर समय वैसे ही समझाते हैं जैसे कि हम उनके लिए 1-2 साल पहले ही नहीं बल्कि कल ही आए हुए हैं। अगर हम आज भी किसी दूसरे सीरियल या फिर किसी पिक्चर में काम करते हैं, तो हम यहाँ पर अभी भी खुद को एकदम 0 लेवल पर समझते हैं, यानी कि हमने जो इस शो के लिए काम किया है वो हमारे लिए तजुर्बा है, लेकिन अगर हम किसी और शो के लिए काम करते हैं तो हम वहाँ पर भी अभी खुद को 0 ही मानते हैं, यानी कि हमें शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। हालांकि टप्पू सेना को बेहतरीन एक्टिंग आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे विचार रखते हैं, ये वाकई में काफी काबिली तारीफ है। कि आपको तारक मेहता शो के अंदर टप्पू सेना के किरदार कैसे लगते हैं, इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।